लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। सूरज, एक सच्चे सूरज संजय सिंह की तपिश तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी निगाह में एक मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है, मेरी निगाह में मोम के पुतले जैसा किरदार मोदी तुम्हारा है। तुम्हारे साथ हैं संजय सिंह, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, मोदी अडानी भाई भाई, देश देश के खाए मलाई, और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ाई है आगे और लड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। जब योगी करता है इसी को आगे करता है। मैं इंजीनियर रमा शंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। जिलाध्यक्ष जी, आज किस तरह का यहाँ पे आप लोगों ने रैली निकाला है, क्या कुछ है विरोधी आपको? ये डरे सहमे हुए मोदी आम आदमी पार्टी से, इनका जो है एक ही काम है, केवल और केवल लोगों को डराना, केवल लोगों को अनायास ईडी का भय, सीबीआई का भय, ये सब दिखा करके लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सिपाही इनके किसी भी धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे क्रांतिकारी निर्भीक और निडर नेता माननीय संजय भैया के घर इन्होंने आज ईडी का छापा मरवा के डराने का काम किया है। इस कार्य के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इनके ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। हम हर लोग, हमारे आदमी, आम आदमी पार्टी के सारे लोग संघर्ष करते हुए संजय भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ईडी से समस्या क्या आ रही है, अगर ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो? ईडी से समस्या ये आ रही है कि हमारे माननीय सत्येंद्र जैन जी को, हमारे मनीष सिसोदिया जी को इतने दिनों से बंद किए हुए हैं, आज तक ईडी वाले सीबीआई वाले उन लोगों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दिए। ये समस्या है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को डराने धमकाने के लिए अपना ये सब उपयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं पार्टी के नेशनल काउंसिल में फाउंडर मेंबर हूँ। जी, आज यहाँ पर तो आप लोगों ने पोस्टर बैनर पे लिखा है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, ईडी से समस्या क्या? एक शेर से अपनी बात शुरुआत करूंगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस हिटलर शाही के दौर में इंसानियत जाए तो जाए कहाँ, इस हिटलर शाही के दौर में आम आदमी इंसानियत इंसाफ के लिए जाए तो जाए कहाँ, दरबार तुम्हारा है, मुनसब भी तुम्हारा है। अपने अखबार का मेरी नज़र में एक सच्चे सूरज संजय सिंह की तपिश तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी निगाह में एक मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है, मेरी निगाह में मोम के पुतले जैसा किरदार मोदी तुम्हारा है। आपने अखबार का जिक्र किया कि अखबार भी तुम्हारा है, तो क्या पत्रकारिता पे भी आम आदमी? नहीं नहीं, मैं पत्रकार बंधुओं को एकदम नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बार कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से गोदी मीडिया और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के 6500 रुपए माफ किए गए, आपके 6500 की उधारी होती तो चलान कट जाता, तहमान कट जाता, आपके घर पे पुलिस का नोटिस चस्पा जाता है, एक बाइक आप इंस्टॉलमेंट पे लीजिए, देखिए गाड़ी खींच ली जाएगी। पर 6500 माफ किए गए सुभाष चंद्रा के, जो कि बीजेपी से पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, ये दर्शाता है कि मीडिया इनकी मुट्ठी में है और सब कुछ इनकी मुट्ठी में। जी, मैं पल्लवी वर्मा, पूर्व रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी और वर्तमान में चंदौली जिला प्रभारी। ईडी के छापे पड़े हैं, संजय सिंह के नेता क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बहुत खुशी की तो बात है नहीं, मोदी जी खाली बैठे रहते हैं तो कभी इस पे छापे डालो, कभी उस पे छापे डालो। पिछली बार भी संजय भैया के यहाँ उन्होंने करवाए थे, हमारे सर्वेश भाई के यहाँ, अजीत भाई के यहाँ, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो हम तो कह रहे हैं, हम सब पक्कड़ हैं, आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ भी एक बार छापे डाल के देख लो, शायद आपके लिए कुछ मिल जाए। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट से क्या उद्देश्य है प्रोटेस्ट करने का? प्रोटेस्ट का उद्देश्य यही है कि जो सही पब्लिक है, सही हमारे नेता हैं, उनके ऊपर आप फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। या तो आपके पास काम नहीं है, या तो आप काम करना नहीं चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आप 24-24 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे तक काम करते हैं, तो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं सिवाय घूमने के कि
आप काम कर रहे हैं। जो नेता अपने जो कहते हैं ना बलात्कारी नेता हैं, जो उनके चेले चपाटे हैं, जैसे आप बापू को ले, आशाराम बापू को ले लीजिए, राम रहीम को ले लीजिए, इन सबको खुला छोड़ दिए। अभी अभी प्रचार गलत हो रहा है मोदी जी साहब, आप क्योंकि पब्लिक मनसा समझ रही है, आप लोग भी इस बात को समझिए। वो यहाँ वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए कभी सी स्मेल शो कर देते हैं केजरीवाल जी का, कभी नहीं है अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सी स्मेल नहीं है। वो आम आदमी पार्टी की तरह जैसे हैं भाई, सीएम है, कुछ तो प्रोटोकॉल रहेगा, तो कुछ तो रहेगा उनके साथ, कोई सी स्मेल नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनवाया, बस यही है सी स्मेल। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम सरकारी आवास में रहेंगे चुनाव के पहले जब वो जीते थे, और आज कहीं ना कहीं एक महान बिल्डिंग दर्शाई जा रही है जिस तरह से दिखाया जा रहा है। तो देखिए दर्शाई जा रही है, अब दर्शाए जाने को लिए तो बहुत बहुत कुछ दर्शाया जा रहा है। उन्हीं की आवाज़ को दिखाया जा रहा है, उन्हीं की आवाज़ को कैसे गलत दिखा रहे हैं मोदी जी। वो केजरीवाल जी आम आदमी थे और आज भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, और वो हमेशा जनता के लिए अच्छा सोचते हैं, जनता के लिए दिखाए जा रहे हैं। मैम वो क्या गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनवाया है, सी स्मेल नहीं है उनका आवास। पांडे जिला महासचिव आप जी, पांडे जी आज इस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये जो बार बार संजय जी का जो जन जागरूकता अभियान संसद भवन में अधिकारियों की जो लड़ाई चल रही है, भ्रष्टाचार के उन्मूलन की जो बात संसद भवन में कहते हैं, मोदी जी को समझ में नहीं आता। मोदी जी वक्तों में हमारे अभी भी कई लोग कह रहे थे हमारे वक्तागण लोग कि डर गए हैं। अभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो दहाड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, उनका बोलना, उनका स्पीच देना, अन्याय के खिलाफ बोलना, कानून के पक्ष में बोलना, संसद को आईना दिखाना उन्हें पच नहीं रहा। उनको लगा कि दुनिया के अंदर भारत शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, पंजाब दिल्ली में सरकार बना, उनको लगा कहीं हरियाणा में ना आ जाए, कहीं छत्तीसगढ़ में ना आ जाए, कहीं एमपी में ना आ जाए, कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ना बन जाए, इसके पहले दो को जेल में डालो, इन्हें भी जेल में डाल दो। तो ये डर गए हैं, अपनी की नीयत में खोट है। और वास्तव में आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं, संघर्षशील हैं, वो जेल में जाने के ईडी या सीबीआई देखे तोतों के डरते नहीं, के जो सरकारी तंत्र तोते हैं ना, पैरट हैं।